नमः शिवाय दोस्तों, भगवान बोले आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कई दफ़ा आपके मन में एक प्रश्न आता है, बहुत सारी जगह आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, मन में ये प्रश्न आता है कि घर पर जो शिवलिंग हैं, जो शिवलिंग रखे जाते हैं, उनके ऊपर कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चांदी का सर्प जो है वो बनवा देते हैं और उनके ऊपर रख देते हैं। बहुत सारे लोग पीतल का जो है वो सर्प बनवा देते हैं और बहुत सारे लोग मिट्टी के या पत्थर के शिवलिंग या आप पीतल के शिवलिंग, जो भी शिवलिंग है वो लेके आते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादातर जब भी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं तो उनको लगता है कि सर्प वाला ही शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। और अगर नहीं है सर्प वाला तो कई बार आपने बहुत सारे वीडियो देख के भी चांदी के सर्प जो है वो बनवा के और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया होगा। तो क्या अगर आप घर में शिवलिंग जो है वो रखे हैं तो आपको सर्प रखना ज़रूरी है या नहीं है? अगर आपके मंदिर में सर्प नहीं है तो क्या करना चाहिए, और अगर है तो क्या करना चाहिए? चलिए इसी पे बात कर लेती हूँ। सबसे पहले, अगर आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो आपको कितने बड़े शिवलिंग रखने चाहिए? एक मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए। जो भी शिवलिंग है आपके घर में पत्थर के या जिस भी धातु के शिवलिंग आपने रखे हुए हैं, एक मुट्ठी, अगर आप मुट्ठी के अंदर शिवलिंग रख रही हैं और मुट्ठी आपकी अच्छे से बंद हो रही है, इतने बड़े शिवलिंग जो है वो रखने चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि आपको छोटे से छोटे जितने भी भगवान हैं वो छोटे ही रखने चाहिए, बाल स्वरूप रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में सोवर सूदक हो गई या कभी आप पीरियड्स के दौरान जो है वो पूजा नहीं कर पा रही हो तो आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बड़ी मूर्तियाँ अपने घर में विराजमान करती हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाती हैं, उसके बाद अगर आप पूजा नहीं कर पाती हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि हम घर में पूजा नहीं कर पाते हैं, कहीं मुसीबत आ गई, कुछ भी हो गया तो घर में ताला जो है वो बंद हो जाता है, तो ऐसे में आपको जो दोष है वो लगता है। इसलिए छोटी जितनी मूर्ति होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं बात कर रही थी शिवलिंग की, तो शिवलिंग मुट्ठी के अंदर जितने बंद हो जाएं उतने बड़े शिवलिंग आप घर में रखिए। साथ ही साथ उनका जो शिवलिंग होता है वो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अंगूठे का ऊपरी हिस्सा जितना बड़ा होता है उतने बड़े शिवलिंग आप अपने घर में पूरी श्रद्धा से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे बोल देंगे पत्थर के शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि देवानिदेव जो भगवान भोलेनाथ हैं उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आपकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं और आप जो भी मनवांछित फल है वो भी आपको मिल जाता है। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, जो मूर्ति है, वो अपने घर में जरूर विराजमान करनी चाहिए। तो आप अंगूठे के पोरे के जितने शिवलिंग जो है वो अपने घर में रखिए। अब प्रश्न ये है कि आपको शिवलिंग के ऊपर सर्प रखना ज़रूरी है? तो देखिए, अगर आपने पहले से बनवा के रखा है, क्योंकि कई बार मैं अगर बोल देती हूँ कि आपके घर में छोटे शिवलिंग रखने चाहिए, बड़े नहीं रखने चाहिए, तो क्या करते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शिवलिंग जो घर पर रखे वो उठा के कहीं ऐसे ही रख देते हैं। आपको भूल के भी ये गलती नहीं करनी, पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप पूजा अभी तक कर रहे थे तो करते रहिए, मन में कोई भी भेदभाव जो है वो मत लाइए। और अब आपको जानकारी हो गई है तो आगे से आप गलती मत कीजिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपके घर में बड़े शिवलिंग हैं, रखिए, पूरी श्रद्धा से रखिए। और अगर आप अपने मंदिर में नहीं विराजमान कर पा रही हैं तो बेलपत्र के नीचे रख दीजिए, समी पत्र के नीचे रख दीजिए, इस तरीके से आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में भी रखना चाहती हैं तो आप रख लीजिए, क्योंकि कहीं और रखने से, मतलब भगवान का निरादर करने से, अच्छा है कि आप अपने मंदिर में ही उनको विराजमान करके रखें, कहीं इधर उधर ना रखें, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे आराध्य हैं और हम अपने आराध्य जो हैं, हमारे देव जो हैं, उनको ऐसे कहीं भी नहीं रख सकते हैं इसलिए। और अगर जो शिवलिंग आपने घर में रखे हैं उनके ऊपर नाग देवता सर्प जो है वो नहीं है, तो आप बनवाने की कोशिश ना करिए। कई बार बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा बनवा के ले आते हैं, अलग से चांदी पीतल के बनवा के उनके ऊपर विराजमान कर देते हैं, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि 1000 सर्प जो हैं उनमें से तीसरे नंबर का जो सर्प है वो भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान रहते हैं, और वही जो सर्प हैं वो आपको दिखें हो चाहे ना दिखें, वो शिवलिंग के ऊपर हमेशा विराजमान रहते हैं। भले ही आप जो मूर्ति लेके आ रहे हैं उनके ऊपर सर्प नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो उस पर विराजमान हैं, ये आप सोच के पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। लेकिन आपको कभी भी अलग से चांदी पीतल का सर्प जो है वो बनवा के अपने घर में नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, वो बगैर सर्प के कहीं जाते ही नहीं हैं। और जब भी आप उनकी मूर्ति विराज
विराजमान करती हैं अपने घर में उनमें होता ही है सर्प। और जैसे कि मैंने बताया है कि 1000 सर्प योनि हैं, उसमें से तीसरे नंबर के जो सर्प हैं वो हमेशा भोलेनाथ के गले में विराजमान रहते हैं, आपके शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहते हैं, इसलिए आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। तो आप इस चीज़ को कभी भी गलत तरीके से मत सोचिए कि आपके घर में नहीं है तो आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत है तो अच्छी बात है, आपने पहले से बनवा लिया है तो उसमें कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन अलग से बनवाने की, अगर आपके घर में अभी आप शिवलिंग लेके आई हैं उनके ऊपर नहीं विराजमान है तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा पता चल रहा है कि होना ज़रूरी है, तो आप ये मत कीजिए, बनवाइए मत, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखें चाहे ना दिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय।